బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఇక ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్న నెక్లెస్ స్టోర్ ను తొలగిస్తారంటూ ఎంపీ అసద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం దగ్గర కూడా నీటి కుంట ఉండేదంటూ, మరి జిహెచ్ఎంసీ భవనాన్ని కూడా కూల్చివేస్తారంటూ ఎంపీ అసద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక హైడ్రా కూల్చివేతలపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలు కూల్చేస్తారా, ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్న నెక్లెస్ రోడ్ ను తొలగిస్తారా అంటూ ఎంఎం అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేర్కొన్నారు. ఇక జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం దగ్గర నీటి కుంట ఉండేదంటూ కూడా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మేయర్ సాహిబా కమిషనర్ కే పాస్ జాకర్ वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है. और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं. और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे, हाँ वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी. वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं देखा सो हूं. नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप, नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको, उड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको, एफटीएल है, सीसीएमबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, हिमायत सागर के पास बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है. और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को नहीं नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके. ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको. हमने